तो गाइजर आज बहुत दिनों बाद हम आए हैं समुंदर में एक खतरनाक सी जेट स्की चलाने, और इसको चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आप देख सकते हो मैं कितने खतरनाक इसमें स्टंट भी कर सकता हूँ। वो अभी सामने से ये वेव आने वाली है, उस पर हम एक खतरनाक सा स्टंट करेंगे, यहाँ पर चलेंगे और ये देखो क्या ही खतरनाक लैंडिंग करी। तो गाइजर जेट स्की चलाने में तो सही में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और इसमें स्टंट करने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। वो आप इसे करते हैं, यहाँ पर ये आई बड़ी सी वेव और ये क्या ही खतरनाक सी हमने फ्लिप मारी। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है, अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर से अपनी इस खतरनाक सी जेट स्की को खुदाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। 3, 2, 1 चलो। वो वो फ्लिप मारते मारते हम जाएंगे सीधा पानी में लैंड करेंगे, और ये क्या ही खतरनाक लैंडिंग करी है। ये जेट स्की चलाने में तो सही में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस क्या आपने कभी जेट स्की चलाई है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। मैं तो रोज चलाता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अरे मेरी बात सुनो लड़के, तुम तो बहुत ही अच्छी जेट स्की चलाते हो। अरे हाँ मुझे पता है, थैंक यू। मेरी बात सुनो, क्या तुम एक जेट स्की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? क्या जेट स्की कॉम्पिटिशन? हाँ बच्चे, लॉस सैंटोस में खतरनाक सा कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें 3 चैलेंजेस होने वाले हैं, और हर एक चैलेंज कम्प्लीट करने पर $100 million मिलेंगे। क्या 100 मिलियन? हाँ, सबसे पहली है जेट स्की रेस, अगर तुम उसमें फर्स्ट आए तो तुम्हें मिलेंगे 100 मिलियन। उसके बाद है बहुत ही ज्यादा हार्ड रैम चैलेंज, अगर तुम उसमें फर्स्ट आए तो तुम्हें मिलेंगे 100 मिलियन और मतलब 200 मिलियन। और उसके बाद एक खतरनाक सी कार रेस होने वाली है, अगर तुम उसमें भी फर्स्ट आ गए तो तुम्हें टोटल $300 मिलियन मिलने वाले हैं। क्या 300 मिलियन? ये तो बहुत ही ज्यादा है। बच्चे क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे? अरे हाँ मैं करना चाहता हूँ, बताओ क्या चलना है। रुक जाओ, इतनी आसानी से नहीं। अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा, विन द रेस। सभी लोगों को कमेंट करना पड़ेगा विन द रेस, तभी तुम जा पाओगे। तो गाइस सर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो विन द रेस, तभी मैं इनके पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। जब तक सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे मैं तुम्हें नहीं लेके चलूंगा। अरे सब पे सब कर देंगे गाइस, जल्दी कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे इस रेस में जाना है और $300 मिलियन जीतने। चलो बच्चे मुझे लगता है सबने कर दिया होगा, और अगर मैंने बाद में देखा कि नहीं किया है तो मैं तुम्हें रेस से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सबने कर दिया है, चलो फटाफट चलते हैं रेस में। अरे फ्रैंकलिन जल्दी आ जाओ, रेस स्टार्ट होने वाली है। अरे आ रहा हूं। तो कैसर यहां पर सारे के सारे जने आ चुके हैं $100 मिलियन की ये रेस करने, चलो अभी मैं भी बैठ गया, फटाफट से रेस स्टार्ट करते हैं। मैं ही जीतूंगा देख लेना, $100 मिलियन। अरे तुम एक कैमर घूम रहे हो, भगा। चलो गाइजर फटाफट से अपनी बोट को भगाते हैं, और ये क्या वो इतना आगे कैसे चला गया? अरे ये भी आगे जा रहा है, मुझे अपनी बोट को भगाना पड़ेगा फुल स्पीड में। चलो 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 मैं ही जीत के रहूंगा, यहाँ पर आराम से निकलना पड़ेगा। तो गाइजर इस रेस को जीतने के हमें मिलने वाले हैं $100 मिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं, और ऐसी 3-3 रेसेस होने वाली है, तो अगर मैं तीनों जीतता हूं तो मुझे $300 मिलियन मिलेंगे। और ये क्या हो गया? अरे मैं तो स्टंट करना चाह रहा था, मैं तो इधर ही गिर गया। रुक जाओ अभी सब लोग आए नहीं है, मुझे ऐसे निकलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चलो चलो, मैं सबसे पीछे रह गया यार, मुझे वापस से आगे जाना ही पड़ेगा। रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, मैं जीत के रहूंगा देख लेना। अरे ऐसे कैसे जीत के रहेगा, चल साइड हो फटाफट से। अभी आ चुके हैं हम सेकंड पर, और इस सेकंड पर तुम आ गया, अब मुझे फर्स्ट पर भी जाना पड़ेगा, और फर्स्ट पर आ गया, वापस से मैं फर्स्ट पर आ चुका हूँ। एक स्टंट करा जाए क्या? स्टंट करे बिना यार मजा नहीं आता। ओके अगली बार नहीं करूंगा, यहाँ का पानी सही में बहुत ही ज्यादा गहरा नहीं है, स्टंट सिर्फ समुंदर में ही करनी चाहिए ना कि नदियों में, इनका पानी है बहुत ही ज्यादा कम गहरा है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है, इसलिए मैं 2 बार गिर गया। चलो फटाफट से चलते हैं, मुझे सबसे आगे जाना पड़ेगा, मैं 4th पोजीशन पे चल रहा हूं, जब गहरा पानी आएगा ना तब स्टंट करेंगे, पर अभी नहीं। चलो फटाफट से चलते हैं पानी में, मैं भी चल रहा हूं 3rd पे, और मुझे जाना है 1st पे, और ये आगे 2nd, 1st 1st 1st, आजा आजा आजा, मुझे $100 मिलियन जीतने। और ये क्या, वो
तो गिर ही गया। वो चाचा तो गिर गए और कैजन अभी आप देख सकते हो मैं सबसे ज्यादा आगे निकल चुका हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। अब मुझे गिरना नहीं है, मुझे स्टंट करने का मन तो है पर मैं करना नहीं चाहता। अगर अब मैं पीछे हुआ तो मैं हार जाऊंगा। एक स्टंट तो बंद नहीं है यहाँ पे, सही पानी बहुत ही कम है वरना मैं स्टंट कर लेता। और कैजन हम यहाँ पर रेस जीत गए, फर्स्ट प्लेस हमारी आई है। और कैजन मैं यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर जीत चुका हूँ। बहुत बढ़िया, हमने नहीं सोचा था तुम ये जीत पाओगे पर तुम जीत गए। ये स्टंट करेंगे, फिर से गिर गया। चलो बॉयज चलते अपनी अगले रेस पर, देखते हैं इस बार मुझे कौन हराएगा। इस बार तो मैं ही 100 मिलियन डॉलर जीतूंगा। अरे मेरे लिए भी रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी रुक गई है। चलो कैसर फटाफट चलते अपनी अगली रेस पर। तो कैसर अभी तक आपने कमेंट में गुड लक फ्रैंकलिन नहीं लिखा तो लिख देना, क्योंकि आपके गुड लक से ही मैं ये जीत पाऊंगा। तो फटाफट से कमेंट लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन और हम चलते अपनी अगली रेस पर। रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। जेट स्की वाले चैलेंज में तो फ्रैंकलिन जीत गया और 100 मिलियन भी, पर ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अरे मुश्किल क्या होगा, यहाँ पर बाइक से जाओ, गोल गोल घुमाओ और पहुँच गए। नहीं बच्चे, इतना इजी नहीं होने वाला। अभी बता दो तुम्हें इस चैलेंज में करना क्या है। उससे पहले जान लो, जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसको मिलेंगे 100 मिलियन डॉलर और साथ में वो अगले चैलेंज में भी जाने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हें बाइक्स लेकर जाना है, इन खतरनाक से रेसेस के ऊपर ऑब्स्टिकल क्रॉस करते करते जाना है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा डिस्क्वालीफाई। और यहाँ पर आके अपनी गाड़ी चेंज करनी है, फिर से खतरनाक खतरनाक रोड, फिर से खतरनाक खतरनाक जंप, इन को क्रॉस करते करते जाना है। उसके बाद आओगे तुम हेलीकॉप्टर जोन में, यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर लेके टनल्स के अंदर से जा जाके तुम निकलोगे इस कार जोन में। यहाँ से तुम्हें कार लेनी है, फिर उसके बाद वापस से ये खतरनाक सा कोर्स कंप्लीट करके जाना है नीचे। फिर यहाँ से जंप मार के टायर के बीच में से निकल के यहाँ पर तुम्हें बोट में स्विच होना है और इन टायरों के बीच में से निकलते निकलते पहुंचना है फिनिशिंग लाइन पर। जो भी यहाँ पर पहुंचेगा वो ये चैलेंज जीतेगा और 100 मिलियन डॉलर्स भी। अरे सॉरी अंकल, मैंने आपको बोला है इजी है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही हार्ड चैलेंज है। 100 मिलियन डॉलर प्राइज है, हार्ड तो होना ही था। चलो शुरू करते हैं चैलेंज को। ए पीले, सबसे पहले तू जाएगा। फ्रैंकलिन तुमने हमें जेट स्की में तो हरा दिया था, पर इसमें नहीं हरा पाओगे, इसमें तो मैं ही जीतूंगा, मैं हूँ बाइक का चैंपियन। अभी देखो कितनी बढ़िया बाइक चलाता हूँ। तो कैसर अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला कंटेस्टेंट निकल चुका है ये चैलेंज करने के लिए, और इसने यहाँ पर ही शॉर्टकट ले लिया। ये तो बहुत ही अच्छा रास्ता अभी भी पता चला। तुम देखना मैं ये चैलेंज कैसे भी करके जीत के रहूंगा। फ्रैंकलिन इस बार 100 मिलियन डॉलर्स मेरे ही होके रहेंगे। हाँ हाँ वो तो पता चल ही जाएगा कौन लेके जाएगा 100 मिलियन और कौन लेके जाएगा बाबा जी का ढुल्लू। तो कैसर अगर आप चाहते हो मैं ये चैलेंज जीत जाऊं तो फटाफट से कमेंट में गुड लक फ्रैंकलिन लिख देना। पिछले वाले चैलेंज में भी लिखा था और इस वाले में भी लिख देना और अगले वाले में लिखना, और नहीं लिखा था तो जल्दी जल्दी लिख दो, क्योंकि आपके गुड लक की मदद से ही मैं ये चैलेंजेस जीत सकता हूं, वरना मैं नहीं जीत सकता। पिछली बार में बहुत ही इजीली जीत गया था आपके गुड लक की वजह से, और इस बार तो सही में चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड है। हार्ड होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है और मैं इसको जीत के भी दिखाऊंगा। हाँ हाँ अभी पता चल ही जाएगा। अभी इसने अपनी कार यहाँ पर चेंज कर ली है, हमें 4 बार व्हीकल चेंज करनी है। तो पहली बार यहाँ पर व्हीकल चेंज हो चुकी है और यहाँ से अपनी गाड़ी को इसने कुदा लिया सीधा टनल के अंदर जाते हुए। तुम देखना फ्रैंकलिन मैं ही जीतूंगा। अरे हाँ हाँ देख लिए, कितना बोलता है, कुछ कर भी तो सही। अभी देखो मैं क्या करके दिखा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया, और ये क्या, ये तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो गया पानी में गिर के। वो पीले बाल वाला तो डिस्क्वालीफाई हो गया, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। मेरे में बहुत ताकत है और मैं तो जीत जाऊंगा। वो पीला वाला सिर्फ बोल रहा था, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। यहाँ से उतारेंगे और यहाँ से लेंगे छोटा सा शॉर्टकट, और इसने भी ये शॉर्टकट ले लिया। मुझे सारे के सारे शॉर्टकट पता है, हमें यहाँ ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत ही तगड़ा शॉर्टकट इसने ले लिया। तो कैसर आपको क्या लगता है, क्या ये ब्लैक सूट वाला जीत सकता है? ये तेरा नाम क्या है? रॉबिन, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, अच्छा। तो कैसर क्या
आपको लगता है क्या रॉबिन हुड जीतेगा या फिर मैं? फटाफट से कमेंट करके बता देना। आप रॉबिन हुड को गुड लक भी बोल सकते हो और बैड लक भी, जो भी चाहो बोल, बस कुछ ना कुछ तो बोल ही देना। अरे वाह, ये गाड़ी तो बहुत ही मस्त है, मैं ये चलाऊंगा। अबे ये कौन सी गाड़ी ले ली इसने, इसमें तो धक्का लगा के चलाना पड़ेगा, इसे में बहुत ही ज्यादा स्लो गाड़ी है। स्लो होगी तुम्हारे जैसे ड्राइवर के लिए, मेरे लिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये देखो क्या ही जंप मारा मैंने। तो गाइस अभी हमारा रॉबिन हुड तो अच्छी तरह गाड़ी चला रहा है, पर यहाँ पर वो पीला वाला गिर गया था। देखते हैं क्या हमारा रॉबिन हुड भी गिरेगा। और ये क्या, नहीं इससे तो बढ़िया लैंडिंग कर ली। मैं तुम्हारे से 100 मिलियन डॉलर छीन के रहूंगा। तुमने एक बार जीत लिया ना, कितनी बार चाहिए? मुझे सारे के सारे चाहिए, 100 मिलियन पहले वाले और ये वाले 100 मिलियन भी, और अगले 100 मिलियन भी मैं ही जीतूंगा, देख लेना। ऐसा तो सिर्फ सपने में होगा, क्या तुम सपना देख रहे हो? मैं सपना वपना नहीं देख रहा। और गाइस अभी आप देख सकते हो ये रॉबिन हुड तो हेलीकॉप्टर्स तक पहुंच चुका है। वो पीला वाला तो हेलीकॉप्टर से बहुत ही ज्यादा पहले गिर गया था, पर हमारा रॉबिन हुड पहुंच चुका है। देखते हैं क्या होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज होगी, मैं ये चैलेंज, मैं ये रेस, 100 मिलियन सबका सब जीत जाऊंगा। अरे हाँ, सपने बाद में देखियो, अभी अपना हेलीकॉप्टर चला रहे। तो गाइस अभी रॉबिन हुड अपना हेलीकॉप्टर चला रहा है। ये हेलीकॉप्टर चलाना सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बहुत इजी है। हाँ दिख रहा है कितना इजी तेरे लिए। अरे अब मैं इतना भी खास नहीं, ये देखो मैं क्या बढ़िया हेलीकॉप्टर चलाता हूँ। तो गाइस हेलीकॉप्टर्स का तो मेरे को भी ध्यान देना पड़ेगा, सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला चलाना, क्योंकि मैं कभी हेलीकॉप्टर चलाता नहीं हूँ। प्लेन होता तो अलग बात है, हेलीकॉप्टर से यार दिक्कत है उसमें। फ्रैंकलिन दिक्कत होगी तुम्हारे लिए, मैं तो जीतने वाला हूँ। अरे हाँ हाँ देखते तू कैसे जीतेगा। ये देखो मैं आ गया, चलो मैं कार्स के पास तो आ गया, अब मैं ये चैलेंज में जीत जाऊंगा। अरे काइजर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका है, ये कार्स के पास पहुंच चुका है। अब सिर्फ एक और बार व्हीकल चेंज करना बाकी है, सिर्फ बोट्स के साथ, और वो भी अगर इसने कर लिया तो ये चैलेंज कंप्लीट करने के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच जाएगा। अरे काइजर क्या कर रहे हो, फटाफट से कमेंट में लिखो बैड लक रॉबिन हुड, ताकि इसको बैड लक मिल जाए और ये जल्दी जल्दी गिर जाए। बैड लक कुछ नहीं होता, ये रॉबिन हुड तो जीत के रहेगा। अरे ये क्या हो गया, और ये क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है। बचाओ, ये क्या, हमारा रॉबिन हुड बहुत ही पास पहुंच गया था पर वो गिर गया। देखते हैं फ्रैंकलिन तुम क्या करोगे। रुक जाओ, पहले मुझे गाड़ी चूज करने दो, ये वाली गाड़ी चलाएंगे। तो गाइस रॉबिन हुड भी फेल हो गया और वो पीला लड़का भी फेल हो गया। अब मेरी बारी आ चुकी है, अब मुझे कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा। तो रॉबिन हुड ने आधे से भी ज्यादा चैलेंज कंप्लीट कर लिया था, तो मुझे ये चैलेंज को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे जीतना है तो। अगर मैं रॉबिन हुड से पहले गिर गया तो रॉबिन हुड को विनर बताया जाएगा और उसको 100 मिलियन डॉलर्स मिलने वाले। तो ऐसा मैं उन्हें नहीं देने वाला, मुझे कैसे भी करके चैलेंज जीतना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है ये गुड लक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और कमेंट नहीं किया तो लिख देना, और आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है, क्योंकि मेरे पास 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर्स होने वाले हैं। तो मैं उससे कौन सी गाड़ी लूं, फटाफट से कमेंट करके बताना। जो भी आपकी फेवरेट कार होगी वो हम खरीदने वाले हैं। अभी बारी आ चुकी है हमारी गाड़ी चेंज करने की। अब हम ये लेंगे खतरनाक सी मॉन्स्टर ट्रक, जो कि हमारी मदद करेगी अगली व्हीकल यानी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में। चलो फटाफट से भगाते हैं, मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना है और हम जीत के ही रहेंगे। फटाफट से अपनी गाड़ी को गुदाते हैं, बढ़िया सी लैंडिंग हमने यहाँ पर कर ली है, और यहाँ से नीचे भी उतर जाएंगे बढ़िया सी लैंडिंग करके। और ये आखिरी जंप इसके बाद हम करेंगे अपनी गाड़ी चेंज, वो भी हेलीकॉप्टर के साथ। और ये बढ़िया सा जंप यहाँ पर हो चुका है, और ऊपर हमें मिलने वाले हमारे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर चलाना सही में बहुत ही ज्यादा ईजी है, हेलीकॉप्टर चलाना सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी बिल्कुल ढंग से चलाने की, क्योंकि आज तक मैंने कभी हेलीकॉप्टर चलाया नहीं है। प्लेन होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। चलो अभी हम यहाँ पर बढ़िया सी लैंडिंग करके आ चुके हैं। यहाँ पर कौन सा हेलीकॉप्टर लिया जाए, यहाँ पर तीन तीन अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर है। ये सबसे छोटा वाला है जिसे मिसाइल्स भी है, चलो ये वाला ही लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो सीधा मिसाइल मार के सबको उड़ा देंगे। चलो फटाफट से हम बैठ चुके हैं इस खतरनाक से हेलीकॉप्टर में, इसको फटाफट से टेक ऑफ कराते हैं और लेके चलते हैं टनल्स के अंदर।
अरे ये तो अभी से भिड़ने लग गया, आराम से आराम से आराम से, अब हमें नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए लिवर खींचना पड़ेगा, आराम से आते जाओ आते जाओ आते जाओ, और आप रेस देंगे और अब वापस से इधर 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 आराम से लैंडिंग करेंगे। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा हार्ड है इसको चलाना, पर कोई बात नहीं, हम जीत के तो रहेंगे कैसे भी करके। रॉबिन हुड तो ये आराम से क्रॉस करके चला गया था, तो हम भी करके रहेंगे। चलो फटाफट से निकल लेते हैं। और गाइस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा रास्ता होने वाला, मिसाइल्स भी, मिसाइल मारूंगे बूम बूम, अरे मेरी गाड़ियां ही फूट जाए सामने। फटाफट से हेलीकॉप्टर को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर हमारा बाहर आ चुका है, और इसकी मिसाइल सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बूम, पर मिसाइल्स का मजा हम बाद में लेंगे, अभी अपने हेलीकॉप्टर से उधर जाते हैं और क्या ही लैंडिंग करिए। अरे मेरे को मत मार देना, चलो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस चैलेंज को पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। रॉबिन हुड ये कार लेने के बाद ही मरा था, तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं कहीं भीड़ भुड़ा नहीं जाऊं और नीचे ना गिर जाऊं, मुझे ढंग से सारे के सारे जंप करने पड़ेंगे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं यहाँ पर और इस चैलेंज को जीत के दिखाते हैं। जल्दी जल्दी चलो, हम बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुके हैं फिनिशिंग लाइन तक, बस हमें बोर्ड चेंज करनी है, उसके बाद हम ये चैलेंज जीत जाएंगे। यहाँ पर रॉबिन हुड बना था ना, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड रखनी है, ज्यादा तेज नहीं और बिल्कुल आराम से कंट्रोल करके हम आ चुके हैं। तो गाइस रॉबिन हुड यहाँ पर गिर चुका था, पर हम नहीं गिरे क्योंकि हम ये चैलेंज जीतने वाले कैसे भी करके। फटाफट से यहाँ से अपनी गाड़ी को खुदा लेते हैं और ये बढ़िया सी लैंडिंग हो चुकी है। और गाइस आखिरी जंप, ये टायरों के बीच में से निकल के हम सीधे जाने वाले बोट्स के पास, यहाँ पर लेंगे खतरनाक सा जंप और ये बहुत ही तगड़ा जंप हमने मार लिया और हमारी लैंडिंग होने वाली है। अपन यहाँ से गाड़ी से कूद के पैराशूट खोल लेंगे, ये गाड़ी हमें ऊपर ले जाती पर हम सीधा नीचे जाएंगे। और ये क्या ही बढ़िया लैंडिंग कर ली, फटाफट से बोट में चलते हैं और इस चैलेंज को फिनिश करते हैं। और ये काइजर तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया, पिछला वाला जेट्स की वाला चैलेंज भी मैं ही जीता था और ये खतरनाक सा बड़ा सा चैलेंज भी मैं ही जीतने वाला हूं, क्योंकि फिनिशिंग लाइन सामने, सामने कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है, बस इनके बीच में से निकलते निकलते जाना है और इस फिनिशिंग लाइन में पहुंच जाना है। और इसी के साथ हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया और 100 मिलियन डॉलर्स और जीत लिए, मतलब अब हमारे 200 मिलियन डॉलर हमारे पास हो चुके हैं। पर काइजर 200 मिलियन पर हम नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे 300 मिलियन पर, जो कि होने वाला है अगला चैलेंज, अगली खतरनाक सी कार रेस होने वाली है, उस पर हम जीत के रहेंगे। फ्रैंकलिन मैंने सोचा नहीं था कोई भी ऐसा चलाएगा जो दो-दो लगातार चैलेंजेस जीतेगा, तुम दोनों चैलेंजेस जीत के 200 मिलियन डॉलर्स के मालिक हो चुके हो, क्या तुम अगले चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या 200 मिलियन लेके घर जाना चाहते हो? अंकल अंकल अंकल, मैं 200 मिलियन डॉलर लेके घर नहीं जाऊंगा, मुझे पूरे के पूरे 300 मिलियन डॉलर्स चाहिए। ओके फ्रैंकलिन, पर मेरी बात सुनो, अगली रेस में अगर तुम जीते तो तुम्हें 100 मिलेंगे और तुम्हारे टोटल 300 मिलियन हो जाएंगे, पर अगर तुम हारे तो जो तुम्हें 200 मिलियन डॉलर्स मिले वो भी चले जाएंगे। क्या ऐसा ही दोनों होते हैं? ऐसा ही होता है, ये रूल्स है। अरे काइजर ये कौन सा रूल बना दिया, अगर मुझे 300 मिलियन डॉलर जीतने तो मुझे 200 मिलियन रिस्क पे लाने पड़ेंगे। ठीक है मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलो फिर चलते हैं रेस करने 300 मिलियन डॉलर जीतने के लिए। तो काइजर अभी हम आ गए अपनी आखिरी रेस के लिए, इस रेस में अगर मैं जीत गया तो मुझे 100 मिलियन डॉलर्स मिलने वाले। यहाँ पे सारी गाड़ियां तैयार है, सारे के सारे रेसर्स भी तैयार है। आओ फ्रैंकलिन आओ, तुम्हारा ही वेट हो रहा था, मिलिए तुम्हारे बाकी के रेसर से, चिंटू पिंटू मिंटू निंटू जिंटू जंटू और कंटू। तुम आठों के बीच में ये खतरनाक सी रेस होने वाली है, जो भी जीतेगा उसको 100 मिलियन डॉलर्स, और अगर फ्रैंकलिन तुम जीते तो तुम्हें मिलेंगे 300 मिलियन डॉलर्स। अरे पर अगर मैं नहीं जीता तो मेरे 200 मिलियन भी चले जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मुझे कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा क्योंकि मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो काइजर रेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, 3 2 1 गो भगाओ। तो काइजर यहाँ पर अपनी रेस स्टार्ट हो चुकी है और काइजर कैसे भी करके मुझे इस रेस में जीतना है, तभी मुझे मिलेंगे 300 मिलियन डॉलर्स, और अगर मैं गलती से भी हारा तो मैंने जो अभी तक 200 मिलियन डॉलर जीते थे वो भी मैं हार जाऊंगा, तो हारने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं ताकि हम ये रेस जीत पाए, जल्दी जल्दी चलते। तो काइजर ये आखिरी बार है, आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना है गुड लक फ्रैंकलिन।
ये आखिरी बार है, इसके बाद कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके बाद कोई मौका ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला, ये आखिरी बार है। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करके गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट कर दो। और गाइस अभी आप देख सकते हो मैं 9th पोजीशन पे कैसे चल रहा हूं, मुझे और अपनी गाड़ी को तेज भगाना पड़ेगा। सारे के सारे लोग मेरे से पे आ गए और सिर्फ एक जना पीछे जो 10th वाला है। और गाइस यहां पर अभी हम आ चुके हैं 8th पर हमें और भी ज्यादा आगे जाना है, तो प्रॉफिट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं। मुझे कैसे भी करके ये रेस और ये चैलेंज सबका सब जीतना ही होगा। अब एक आ जा रहा है, मैं वापस से 9th पे कैसे आ गया, तो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को यहां पर भगाते हैं। अभी मुझे इनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। ये मैं आ गया 7th पर और अब मैं 6th पर भी आ चुका हूं। जल्दी जल्दी भगाओ भगाओ भगाओ। और ये 5th पर, गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक है 5th, और अभी मैंने इसको क्रॉस करूंगा। 4th वाले को भी क्रॉस कर लिया, 3rd वाले को भी क्रॉस कर लिया है। और गाइस 2nd और 1st नंबर बहुत ही ज्यादा आगे चल रहे, तो मुझे उन तक पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं चल रहा हूं 2nd पोजीशन पे, और ये मेरे जो आगे चल रहा है ना ये 1st पर है, पर मुझे इससे आगे जाना है। जल्दी 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 भगाओ 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 भगाओ, जल्दी से जाना पड़ेगा। और ये इसको भी क्रॉस कर लिया मैंने, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं चल रहा हूं बिल्कुल 1st पर। ये क्या 2nd हो गया एकदम से, रुक जा भगाना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। मुझे कोई खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी लेनी चाहिए थी, ना कि ये मर्सिडीज, ये बहुत ही ज्यादा स्लो है और वो लैम्बोर्गिनी वाला सामने टकरा चुका है। अबे मुझे भी टकराएगा क्या? तो गाइस ये आखिरी लैप है, 2 लैप की रेस थी और ये दूसरा लैप अभी चल रहा है। मुझे कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा, ये मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अबे थोड़ा दूर चल जा, जल्दी जल्दी भगाते हैं। और वो पीछे रह गया, वो फिर से लगता है क्रैश हो गया। तो गाइस अभी मैं चल रहा हूं 1st पर, बस मुझे यही पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी और फिर हम जीत जाएंगे। जल्दी जल्दी भगाते हैं, कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। वो हेलीकॉप्टर हमें फॉलो कर रहा है, जो कि रेस वालों को फॉलो करता है कि कोई चीटिंग वीटिंग ना करें। तो चीटिंग तो हम नहीं करने वाले, क्योंकि हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। अब मैं गाड़ी को अपने आराम से चला सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं दिक्कत दिक्कत है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत ही ज्यादा तेज आ रहा है। मुझे बूस्टर बूस्टर लगाने चाहिए और आगे निकलना चाहिए। ये क्या, ये इतनी तेज कैसे जा रहा है? लैम्बोर्गिनी होने का यही फायदा है, बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, मर्सिडीज धीरे चलती है। अगली बार कभी रेस करूंगा ना तो लैम्बोर्गिनी में करूंगा, पर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। रुक जाओ, अभी इसको भी हम ओवरटेक करेंगे। हट जा सामने से, मैं ही ठुक गया, लैम्बोर्गिनी ठुक गया। कोई भी ज्यादा आगे पीछे नहीं जा पाया, पर अभी भी इसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसको आखिरकार मैंने ओवरटेक कर लिया। लेट्स गो, वापस से भगाते हैं, वापस हम 1st पोजीशन पर आ चुके हैं। इसी को मेंटेन करना पड़ेगा, फटाफट से फुल स्पीड में भगाते भगाते लेके जाते हैं। और गाइस अभी हम यहां पर आ चुके हैं, हमें यहां पर लेना है टर्न। मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे पीछे बस लोग तो है ही। फटाफट से यहां पर मारेंगे ब्रेक और यहां पर, तो गाइस अभी रेस बस फिनिश होने वाली है, हमारा ये आखिरी लैप खत्म होने वाला है। और मुझे लगता है ये हमारे 100 मिलियन डॉलर्स भी आराम से मेरे होने वाले हैं। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, यहां पे मैं आराम से ड्रिफ्ट मार सकता हूं। वो यहां पर मैंने खतरनाक सी ड्रिफ्ट मार ली, फिर भी मेरे कोई आसपास भी नहीं पहुंच पाया। अब ये थोड़ा सा पास आ रहा है, पर कोई बात नहीं, इसके तो मैं आगे यूं निकल जाऊंगा। तो गाइस फाइनल एक्सीलरेटर हमें देना है और गाइस ये रेस होने वाली है खत्म। फटाफट से फुल स्पीड में बूस्ट लगाते हैं और सामने हमें फिनिशिंग लाइन दिखने लग चुकी है। ट्रैफिक यहां पर इतना ज्यादा कैसे हो गया, अरे हट जाओ अंकल। और गाइस सामने हमारे है फिनिशिंग लाइन, हम बस पहुंचने वाले 3, 2, 1 और ये हमने क्रॉस कर ली फिनिशिंग लाइन, वो भी नंबर 1 पे। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी हिस्ट्री में आज तक कोई भी 3-3 चैलेंजेस लगातार नहीं जीता, और 300 मिलियन डॉलर तो किसी ने सोचा भी नहीं था, पर तुम जीत चुके हो। अरे थैंक यू, अब जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। पैसे मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिए, और जैसा कि तुमने कहा था वो लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो भी आ चुकी है। चलो चलो फटाफट से चेक कर लेते हैं मनी एंड सर्विसेज, हम जाएंगे अपने बैंक में। और गाइस आप देख सकते हो हमारे पास 300 मिलियन डॉलर्स यहां पर आ चुके हैं। थैंक यू अंकल, बहुत ही मजा आया। और गाइस वो लैम्बोर्गिनी वाला इतनी ज्यादा तेज चला रहा था कि मुझे उसकी लैम्बोर्गिनी बहुत ही अच्छी लग गई, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया। वो जीत तो नहीं पाया, पर इसकी गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो इसलिए उससे मैंने गाड़ी खरीद ली, वो भी सिर्फ 1 रुपए में, क्योंकि वो हरा था ना इसलिए मैंने ले ली। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना हम 300 मिलियन डॉलर्स को कहां खर्च करें, क्या-क्या ले क्या-क्या ना ले, फटाफट से बता देना। 300 मिलियन, अगर मैं रोज एक लैम्बोर्गिनी लूं ना तो पूरे 1 साल तक मैं रोज नई-नई लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूं, पर वो मैं करने नहीं वाला। क्या-क्या करें फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इस वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सेक्शन में वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।